हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं कि जो 2023 बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी का पेपर होगा वो किस प्रकार से आएगा। देखिए, ये मॉडल पेपर जो है ये 2022 का मॉडल पेपर है और आपको पता है कि जो 2022 का सिलेबस था वही 2023 का भी सिलेबस है। ठीक है, तो आपका पेपर सेम ऐसे ही आएगा, यानी कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के आपके दो फायदे हैं। एक तो आप ये जान जाएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, यानी कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का गद्यांश पद्यांश आएगा। ठीक है, और आपको दूसरा फायदा है कि आप पूरा पेपर पैटर्न समझ जाएंगे। तो पूरा पेपर आपका कैसा आएगा, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक आएगा तो मैं अगला वीडियो इंग्लिश का भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए विषय हिंदी कक्षा 12। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। सबसे पहले आपका आएगा खंड का। खंड का में क्या होगा, प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक में काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, खंड का में जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर एक में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। देखिए सबसे पहला ये आपका रहा, ठीक है, का वाला। उसके बाद में देखिए नीचे ये आपका हो गया खा, ये हो गया गा। ठीक है, ऐसे देखिए सब एक एक नंबर के रहेंगे, घा और अंगा। ठीक है, यहां पर देखिए अंगा। तो प्रश्न नंबर एक में 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का एक नंबर, तो 5 क्वेश्चन का कितना नंबर, 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा पेपर पैटर्न आपको समझना है। इसके बाद में देखिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुविकल्पीय होगा, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 5 नंबर के। ठीक है, देखिए पहले जो 5 क्वेश्चन थे प्रश्न नंबर एक में वो आपके हिंदी गद्य साहित्य के होंगे, जो प्रश्न नंबर दो में है ये हिंदी पद्य साहित्य के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे कामायनी किस युग की रचना है तो ये आपको बताना, ऐसे ही काखा गाघा अंगा करके इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेगा पहले और दूसरे प्रश्न के लिए। ठीक है, अच्छा देखिए तीसरा प्रश्न आता है गद्यांश। देखिए इसमें आपको करना क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें करना क्या है, देखिए गद्यांश दिया गया है धरती माता की। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक गद्यांश है। अब देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, फर्स्ट सेकेंड। देखिए फर्स्ट उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ और अभी और भी है। ठीक है, ये 5, ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 5 क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख लेते हैं आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, इसके लेखक है वासुदेव शर्मा अग्रवाल जी, तो आपको पता होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। मान लीजिए ये वाला गद्यांश आप नहीं जान पाए कि ये किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है, तो क्या कीजिए, इसमें अथवा लगा रहेगा। देखिए ये बीच में अथवा लगा है, आप वो नहीं जान पाए हैं तो इसको कर दीजिए। ठीक है, ये आपका अथवा लगा है, तो यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अशोक का फूल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, तो आपको अथवा लगा रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 10 नंबर टोटल मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए भाई, हमने गद्यांश पढ़ा जो कि हिंदी गद्य से था, पद्यांश आ गया हिंदी पद्य से। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, ये पद्यांश आपको इतना बड़ा दिया गया है, इसको पढ़िए और समझिए कि किस पाठ से लिया गया है। फिर इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर,
टोटल आपको इसके लिए भी 10 नंबर मिलेगा। तो सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे इसमें भी अथवा लगा होगा, मान लीजिए वो पद्यांश आपको नहीं पता तो ये वाला आप कीजिए। देखिए लज्जाशील पथिक महिला यहां तक दिया गया है, ठीक है, पवन दूती का चैप्टर कहा ये, तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो 10 नंबर इसके लिए भी आपको। तो ये जो आपको गद्यांश और पद्यांश है इसमें आपको अथवा लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, जो आपको पता है वो आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न नंबर 5 अब आता है इसका का, इसमें आपको जीवन साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 रखना है, यानी कि लगभग 80 शब्दों में लिखना है। पहला आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों में से जिनका आपको पता है आपको उनका जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे आपको 5 नंबर वहां पर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए 5वां का खा है, ये आपका कवियों का जीवन परिचय, क्योंकि लेखकों का जीवन परिचय तो हमने पढ़ लिया, अब कवियों का जीवन परिचय देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो अब कवि की बारी आती है, इसमें भी शब्द सीमा 80 रहेगा, जैसे आपका मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तीनों कवि में से जिनका आपको साहित्यिक परिचय पता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, इनका सबका जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलायन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। बहादुर या कहानी, चाहे बहादुर कहानी चाहे पंचलायन कहानी, इसके किसी एक के उद्देश्य को आपको लिखना है। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा, ठीक है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये समझिए, आप चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, चाहे पंचलायन कहानी का उद्देश्य लिखिए, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखिए, तीनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, ये याद रखिएगा। शब्द सीमा 80 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए स्वापथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा आपका 80 रहेगा, 5 नंबर इसके लिए भी आपको दिया जाएगा। तो देखिए जो आप में है, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं जिले के तो आपका अलग होगा। जैसे श्रवण कुमार किसी में होगा तो इसका आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। कैसे देना है, किसी एक का, जैसे ये आपको दिया गया है इसको लिख दीजिए, या अथवा लगा है आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही आपको लिखना है। ऐसे देखिए रश्मि रथी अगर आप में है तो आप कर दीजिए मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी मान लीजिए आप में है तो ये आपका दिया, त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वो संक्षेप में लिखिए, या तो इसको लिखिए अथवा लगा है, त्यागपथी खंडकाव्य के पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आलोक वृत्त सत्य कीजिए, जो आप में हो लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा 50 नंबर का पेपर कंप्लीट होता है, पार्ट 1 खंड का। अब खंड खा में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको संस्कृत का गद्यांश मिलेगा। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए महान विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आपको दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए महामना विद्वान वक्ता ये आपका क्वेश्चन है, तो ये गद्यांश है, इसको आप पढ़िए, फिर इसका संदर्भ आप लिखिए, ठीक है, संदर्भ लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिखकर आपको इसका हिंदी अनुवाद कर देना, हिंदी अनुवाद लिख दीजिएगा, या अथवा लगा है वो आपको नहीं पता तो अथवा लगा इसको आप कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर दीजिए, नीचे अथवा लगाकर ये दिया गया है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिख देना। ऐसे ही पद्यांश भी है, देखिए खावाला दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर यानी कि श्लोक, ठीक है। इसमें जैसे आपको ये पता है, नमे रोचते भद्रम वा उलूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुख पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, या फिर नीचे देखिए ये आपका है, परोक्षे कार्य अंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम वर्जिता दिशा मित्र विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है, दोनों में से आप किसी एक को करिएगा वो संदर्भ लिखकर व्याख्या, ठीक है। अब 9 नंबर पर आते हैं, अब हमारा ग्रामर व्याकरण सेक्शन आ जाता है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है, 2 नंबर। देखिए जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, 4 में से कोई एक आसानी से कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए 10वां नंबर हमारा आता है संधि विच्छेद, 10वें कक्का। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, 1-1 नंबर मिलेगा। तथापि का सही संधि विच्छेद क्या है,
बताइए इसमें से आपको चूज करके लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। एक नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा ऐसे दूसरा है, तीन नंबर का रहेगा संधि विच्छेद, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या है, तो इसको आपको सही से चूज करके लिखना है। ऐसे तीसरा देखिए, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं आगे दे दूंगा, ठीक है। गायका का संधि विच्छेद, तो इसको भी आपको, जैसे गय धन का आपका राइट है, ये क्लियर है, तो इसको आप सही मार दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तीन क्वेश्चन रहेंगे, तीन नंबर मिलेगा। ऐसे खा देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर कितना है, ये प्रश्न नंबर 10 है, इसका खा क्या है, विभक्ति और वचन, इसमें आपको पहचानना दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। तो फिर देखिए आत्मना में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, चार ऑप्शन है ए बी सी डी करके, तो आप जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है, यानी कि आत्मना में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे दो नंबर के, नाम नान में विभक्ति और वचन है, सही बताइए। तो ये आपके दो क्वेश्चन दो नंबर के रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं, ये आपका शब्द युग्म है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे देखिए आपका है वसन व्यसन, ठीक है, वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो वसन का अर्थ पहले होगा, व्यसन का बाद में। तो जैसे आपका ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत, यानी कि वसन का अर्थ होता है वस्त्र, इस वसन का, ठीक है, और व्यसन का मतलब आदत, तो वस्त्र और आदत इसका राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए इसमें दूसरा हमारा है अंबुज अंबुद, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको चूज करके लिखना है, ठीक है, कमल और बादल ऐसे लिख देना है। तो ऐसे आपको राइट आंसर लिखना है, दो क्वेश्चन रहेंगे, आपको दो नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे अब खा आता है, ठीक है, 11 का खा है, ये क्या है आपका, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए, यानी कि किसी एक के आपको दो अर्थ लिखना है, जैसे अंबर पट विधि नाग, ठीक है। जैसे विधि है, विधि का मतलब क्या, हम कह सकते हैं कानून तरीका, ठीक है, तो ये सब विधि कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं। ऐसे ग देखिए 11 का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, जैसे जो आंखों के सम्मुख हो उसे हम क्या लिख सकते, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, ठीक है, एक शब्द में कह सकते हैं। तो ऐसे एक एक नंबर आपके इसके लिए। जैसे दूसरा हमारा है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, तो दो क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, सिंपल है। ऐसे घा देखिए 11 का, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, वाक्य संशोधन है। जैसे देखिए चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें चारों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, किन्हीं दो को आप सही करके लिख दीजिए, ठीक है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यानी कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों के जगह पर आप केवल अनेक लिख दीजिए, ठीक है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, ठीक है, इसमें कवित्री गलत लिखा है, का वा रहना चाहिए, वा पर छोटी का मात्रा नहीं रहेगा। ऐसी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, देखिए रस छंद अलंकार हमारा आता है, 6 नंबर इसके लिए रस छंद अलंकार के लिए मिलेगा, पहले रस फिर अलंकार फिर छंद, ठीक है। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, दो नंबर, चाहे आप वीर रस का लिखिए चाहे हास्य रस, किसी एक का ही आपको लिखना है, ठीक है। रस छंद अलंकार इन वन वीडियो में पढ़ा चुका हूं, एक ही वीडियो में आपको रस सभी छंद सभी अलंकार में बताया है मैंने, तो अगर आप उसको देख लेंगे, आप बोलिए रस छंद अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, यकीन मानिए कि आपका 6 नंबर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मैंने जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना सेम उसी तरह डेफिनेशन परिभाषा उदाहरण सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। ऐसे अलंकार में श्लेष अथवा उत्प्रेक्ष आ गया तो आप आसानी से लिख देंगे, वीडियो देख लीजिए 22-23 मिनट का होगा। दोहा तथा सोलठा छंद आप आराम से लिख देंगे, तो रस छंद अलंकार टोटल 6 नंबर का आता है, ठीक है। अच्छा देखिए 13 नंबर आता है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। अथवा मान लीजिए आपको नहीं पता है तो ये लिख दीजिए, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, तो एक आप लिख सकते हैं। 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी कि 9 नंबर का निबंध रहेगा, 5 ऑप्शन रहेंगे, पहला देश में बेरोजगारी की समस्या जैसे आपकी हो गई, ठीक है, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्ध और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो 5 में से जो आपको बताए उस पर आप अपनी भाषा में निबंध लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा, बस यहीं पर आपका पूरा पेपर समाप्त होता है। 100 नंबर का जो पेपर आएगा वो मैंने आपको बताया, सेम इसी तरह आपका पेपर आने वाला है और आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन कहेंगे तो मैं लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आप लोग इसी तरह इंग्लिश का भी वीडियो चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।